ठीक ना, कक्षा नौ का, ठीक ना, कक्षा नौ का दसवां दोहा कौन सा? दसवां दोहा आपको बताना है, ठीक ना? क्या कबीरदास जी कहते थे या कहते हैं, जब मैं था तब हरि, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है मैं ना ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ठीक है बच्चों, आगे सब अधियारा मिट गया, सब अधियारा आदि यारा सब अधियारा मिट गया, अधियारा मिट गया, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मान, जब दीपक देखा मान, ठीक है, दीपक देखा मान, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हर मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मां। आइए हम इसका अर्थ जान लेते हैं, ये मां माने अहंकार, ठीक है, अहंकार, ठीक है, हर मां ने आपको बताया गया भगवान, ठीक है, यहां भी हर मां ने भगवान, मैं माने अहंकार, ठीक है, मैं माने अहंकार, अध्यार का अंधेरा, अंधकार, अंधकार, मिट माने मिटना, मिटना, दीपक माने दीपक, देखा माने देखा, देखना, ठीक है, माया माया, ठीक है, महामाया का अर्थ है या अलग है हमारे पास, मैं कहिए मैं कहिए माया कहिए, ठीक है, दोनों बातें। अब आइए कबीरदास जी क्या कहते हैं, उनके बातों को हम जानते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कबीरदास, जब मैं था तब हरि, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में भगवान का वास नहीं था, अब हरि है मैं ना, और अब मेरे हृदय में भगवान का वास हो गया है, और अहंकार क्या क्या भाग गया, अहंकार मेरे हृदय से निकल गया, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मां, मेरे हृदय का अंधकार मिट गया, दीपक
भगवान रूपी दीपक को देखकर मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है और अंधकार क्या होता है नष्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात कमरे का मतलब है जब कमरे में दीप अंधकार होता है और दीपक जला दिया जाता है तो वहां अंधकार खत्म हो जाता है और क्या होता है वहां रोशनी हो जाती है। उसी प्रकार मेरे अंदर जब प्रभु की कृपा होती है तो अहंकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर फैल जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा क्या है इसको मिटा देते हैं। और दूसरा तो है लिप्त। ठीक है, दस हो गया, ग्यारह ग्राहक हुआ क्या है कबीरा कहा गर्भ कबीरा कबीरा कहा कबीरा कहा गर्भ गर्भियो कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास संसाधन को
देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं गर्व करना चाहिए? नहीं चाहिए। काल है ना, काल है तमायु भय लोभ का, या जो आपका ऊंचा ऊंचा घर है या कल क्या करे गिर जाएगा, कल गिर पड़ेगा इस धरती पर। क्योंकि हर वस्तु नश्वर, हर वस्तु खत्म होने वाली चीज है। तो कहते हैं कि कल या गिर जाएगा, क्या आपका भाई जो है गिर पड़ेगा, ठीक है गिर पड़ेगा धरती पर ऊपर जाने का, और या जब नीचे गिर जाएगा आपका जिसके घमन करते हैं तो उस पर क्या जाएगा, उस पर घास जाम जाएगी। अर्थात आपको घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, आप ईश्वर की भक्ति करिए, भौतिक संसाधन आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको वहां पैदल ही जाना, वहां हाथी घोड़े से नहीं जाना, मोटर साइकिल से नहीं जाना, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए आपको मन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला बारहवा क्या है? यह ऐसा संसार, संसार के बारे में कभी जाती कहते हैं, यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है, संसार है, यह ऐसा संसार है जैसा समय पूर्व, जैसा सैम 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 फूल, जैसा सैम फूल
संसार के बारे में कबीरदास जी बार बार बता रहे, बार बार आपको सचेत किए। फिर यहाँ पर आपके यह ऐसा संसार है जैसा सेवल कि यह संसार सेवल की फूल की तरह, सेवल का फूल आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है, लाल रंग का होता है और वह अपनी तरफ आकर्षक करता है या अपनी तरफ खींचता है वह फूल, ठीक है। यह संसार कैसा है, उस फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार कौ झूठे रंग रंग कि वह फूल मात्र कितने दिनों के लिए, ज्यादा दो चार दिनों के लिए, ठीक है। दिन दस के व्यवहार की व्यवहार उसका व्यवहार कैसा है, दस दिनों के लिए वह फूल ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, इस तरह संसार भी है कि दस दिन के व्यवहार को झूठे रंग रंग झूठे अपने मस्ती भंगाते हैं कि यह मेरा संसार कैसा है, सेवन की फूल की तरह बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हम वो माया में लगे रहते हैं कि जो कुछ है यह संसार मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह घर मेरा है, यह सब कुछ मेरा है। लेकिन इसका दूसरा तात्पर्य है कि अहंकार में कभी भी कहते हैं जीवों को कि जीव आप सतर्क हो जाइए, यह संसार में कुछ है नहीं और दस दिन के लिए आए हैं, तो ईश्वर की भक्ति करिए, उसी में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आया बच्चों? अगला ठीक है, अगला क्या है, तेरहवा और अंतिम इस अध्याय का, प्रथम अध्याय का तेरहवा और अंतिम दोहा क्या है, इन अवसर चैतन्य, ठीक है, इन अवसर अवसर इन अवसर चैतन्य चैतन्य नहीं, ठीक है, चैतन्य नहीं पशु जीव पाली दे, पशु पशु ठीक है जीव पाली दे, जीव पाली दे, पशु जीव पाली दे, ठीक है। राम नाम जाया, राम नाम जाया नहीं, ठीक ना, जाया नहीं, अंत पड़ी मुख शेष, अंत पड़ी मुख से से हमारे भूत,
ठीक ना। अब इस पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि फिर वह कबीरदास जी इस संसार भौतिक संसार के बारे में कह रहे हैं, हर वक्त हर जो है इस भौतिक संसार के विषय में मनुष्यों को जगाने का प्रयास किया और इस संसार को भी वो उन्होंने बताया। क्या बताया है? कहते हैं ये अवसर चेतना है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमको मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य के जन्म के बारे में कह रहे हैं कि जो हमको मनुष्य का जन्म मिला है तो हमको क्यों जन्म मिला उसी के बारे में जानते हैं। यह कहते हैं कि यह जो मनुष्य का हमको जन्म मिला है यह बड़े आगे से हमको मनुष्य का जन्म मिला है। यह अवसर चेतना ही उनकी उपाधि है कि मुझे जो मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य के घर में जन्म लिया है तो मुझे जाग जाना चाहिए, मुझे ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। पशु जीवन पाली थे मुझे पशुओं की तरह शरीर को मोटा नहीं करना, क्योंकि जानते हैं आप पशु को क्या उनका दिमाग कम होता है, दिमाग नहीं होता। आप कह सकते हैं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य पूरे विश्व में पूरे जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। पशु जीवन पाली थे राम नाम जाने अंत पड़ी कि आप संसार में आकर के राम नाम को तो जान ही नहीं पाए, ईश्वर को आप जान नहीं पाए और जब अंत में मर जाते हैं तो आपके मुख पर क्या भूले लोग गाड़ देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, धूल पड़ जाता है आपके मुख पर, तो आपका जीवन असफल रहा, आपका जीवन कैसा असफल रहा। इसलिए हमको अवसर मिला है तो हमको पशुओं की तरह शरीर नहीं पाना, हमको अवसर मिला है मनुष्य के घर रहने के तो मुझे क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और राम नाम को हमको जपना चाहिए, इसी से हमको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो अंत में जब हम मर जाएंगे तो हमको दफन कर देंगे मिट्टी में और हमारे मुख पर क्या पड़ जाएगा, मिट्टी ही मिट्टी पड़ जाएगी। बच्चों आज कक्षा 9 का पहला अध्याय खत्म हुआ, ठीक है बच्चों समझ में आया, ठीक है नहीं समझ में आता आप लोग काल करके ठीक है पूछ सकते हैं, ठीक है। और कबीरदास जी के बारे में आप पूरा जीवन बच्चे जीवन परिचय पूरा पढ़ना, ठीक है कबीरदास का जीवन परिचय पूरा आपको पढ़ना है, स्वाध्याय करना है अपने आप, ठीक है। और कबीरदास जी को क्वेश्चन है कबीरदास जी को कबीरदास जी की भाषा को पंचमे की खिचड़ी किसने कहा, दूसरा कबीरदास जी दास जी किस काल कभी
एक क्वेश्चन कबीरदास जी किस काल के लगे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, कबीरदास किस शासक के समकाल में थे, किस कबीरदास जी दास जी किस शासक के समकालीन थे। आपको क्यों कभी राजा किस शासक है, आपको शासक कौन से शासक थे, उसमें किस काल के कवि है, पंच में किसने कहा। ठीक है बच्चों, आज आपका पहला अध्याय खत्म होता है। ठीक ना, धन्यवाद।